Hi, namaste. So today we will talk about JEE main, which is going to be held in 2 months. So 2 महीने ही बचे हैं, and क्या तैयारी किस तरह से करनी है, क्या कर भी सकते हैं, can we still clear JEE, इस तरह के बहुत सारे questions are coming in the mind of a lot of people. So I'll just talk a bit about those. Okay. तो सबसे पहला ये कि यार ये मुझे बॉम्बार्ड बहुत सारे लोगों ने कर दिया है कि हमने 2 साल वेस्ट किए, कुछ किया नहीं, एंड नाउ 2 मंथ्स में हम क्या करें, है ना. ये एंग्जाइटी बहुत सारे लोगों के दिमाग में, सो वी आर गोइंग टू क्लियर दैट, है ना. सो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, बट आई स्टिल ट्राई टू बी रिलेवेंट, है ना. तो उससे पहले आई जस्ट टेल यू कि देर आर सम अदर वीडियोज विच आई टू मेक ऑन NTSC एंड इवन ऑन द 100K सिल्वर बटन, बट वो भी घर पर पड़ा है. एंड NTSC से पहले मुझे लगता है ये बता देना चाहिए, आई मेक वीडियो ऑन NTSC सून एंड सिल्वर प्ले बटन वेन आई गो होम. ओके, सो उन पर वीडियो आएगा, डोंट वरी. एंड स्पीकिंग ऑफ इनएक्टिविटी ऑन यूट्यूब, सो या आई पोस्ट अ क्वाइट लेस दीज डेज बिकॉज आई गॉट सम अदर वर्क, एंड बट आई स्टिल आई एम एक्टिव ऑन कोरा एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ऑल ऑफ दोज. वहाँ पर मैं Q&As करता रहता हूँ, वेयर आई आंसर पीपल्स क्वेरीज इन ऑल वेन एवर आई गेट टाइम. सो यू कैन फॉलो मी देयर, स्पेशली ऑन ट्विटर. सो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट माई अटेंशन ऑन ट्विटर, क्योंकि वहाँ पर आई हैव द रीच नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सो आई चेक मैसेजेस क्वाइट फ्रीक्वेंटली. सो कुछ इस तरह का हो, सो यू कैन सेंड ऑन दोज, है ना. बुक्स बताऊंगा, आई टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो डाउटनेट, उन सबके लिंक भी यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या करना है 2 महीने में. तो यार सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझनी चाहिए, दैट इज़ कि आर ब्रेन वर्क्स इन अ वेरी वंडरफुल वे, है ना. और उसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें रियलाइज़ करनी है वो ये है कि ब्रेन की देखो आपको आपका जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है क्या, बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ हाउ मच नॉलेज यू हैव ऑफ द सिलेबस, राइट. तो अब वो जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में अगर स्टोर होगा देन यू कैन यूज इट, राइट. तो अब दिमाग में जो स्टोरेज होता है ना, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहला है कितनी देर तक आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, दूसरा आप किस बैंडविड्थ के साथ पढ़ रहे हो, है ना. तो ये बात मैंने नोटिस की कि बैंडविड्थ इज ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम फॉर सर्टेन एक्टिविटीज, ठीक है. इसका हम एग्जाम्पल देके बात करते हैं. तो अगर हम बात करें, लेट से आपने कोई एग्जाम ऐसा दिया होगा ना जिसके लाइक जिसमें आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं पूरे साल, बट एक दिन के लिए पढ़ लिया एंड यू स्टिल गॉट डिसेंट मार्क्स, है ना. जैसे कॉलेज में बहुत होता है ये. सो लेट से यू टॉक अबाउट योर मॉरल साइंस या कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जो बचपन में होता था, या फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम. तो तुमने क्या पढ़ा, क्या वो पूरी 11th नहीं ना, यू स्टडीड इट एट द एंड और 1-2 दिन में अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड वे में स्टडीज करके मार्क्स लेके आ गए, राइट. तो वो थी कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी एट हाई बैंडविड्थ, है ना. तो वो इम्पॉर्टेंट होती है. इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप जैसे लेट से आप जैसे चलना जब सीख रहे थे ना छोटे थे, ठीक है, एट दैट टाइम यू डिडेंट कॉन्शियसली ट्राई टू वॉक. तो तुम्हें चलने में मे बी हो सकता है 1-2-3 साल लग गए, लेकिन अगर जैसे तुम लेट से लिखना सीख रहे हो, ठीक है, व्हेन यू वर इन नर्सरी, तो वहाँ पे क्या तुम कॉन्शियसली एफर्ट डाल के सीख रहे हो विथ हाई बैंडविड्थ, ठीक है. तुम्हारे टीचर तुम्हारा हाथ पकड़वा के लिखवा रहा है, सो दैट इज सम हाई बैंडविड्थ लर्निंग. तो वो फास्ट होती है रिलेटिवली, वो शायद प्रॉब्ली तुम 1-2-3 महीने में सीख जाओगे, राइट. सो सिमिलर थिंग अप्लाईज हियर. तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 2 साल अगर मैंने नहीं पढ़ा तो अब नहीं कर सकते. अभी 2 साल वाला क्या होगा तुम्हें बताता हूँ. आज से 10-15 साल पहले केवल 1 साल का होता था आपका IIT कोचिंग, फिर बाद में 2 साल का कर दिया गया, अब तो धीरे धीरे 4 साल का हो रहा है. तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यार अगर बच्चे 2 या 4 साल रहेंगे तो जो कोटा में इतना बड़ा बिजनेस फैला हुआ है उसमें ज़्यादा लोग आएंगे 2 साल के लिए, सो बिजनेस 2 टाइम्स होगा, रेवेन्यू 4 टाइम्स होगा, है ना. मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ देयर बेसिक मार्केटिंग और देयर बेसिक बिजनेस, है ना. तो वो चीज़ ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, बट उसका बेसिक एजेंडा ये है. तो ऐसा नहीं सोचना है कि 2 महीने में कर नहीं सकते. आप अगर हाई बैंडविड्थ में पढ़ोगे ना तो 2 महीने में आप, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 आपका नहीं आएगा, शायद IIT भी शायद हो सकता है ना मिले, लेकिन एक अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा और हो सकता है मेहनत की IIT भी मिल जाए, राइट. क्योंकि एडवांस में अभी तुम्हारे 8 महीने बचे हैं, 7-8 महीने, है ना. 2 महीने बचे हैं मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में, इवेंचुअली यू हैव 7-8 मंथ्स, एंड उसमें अगर हाई बैंडविड्थ पढ़ाई कर ली ना, यू कैन इवन गेट AIR 1, राइट. तो यार अब बात करते करना कैसे. तो यार जिन लोगों की प्रिपरेशन पहली बात अच्छी चल रही है ना, जिनको पता है क्या करना है, तुम लोग मैं कहूँगा कि यार पढ़ाई पे फोकस करो, तुमको पता है क्या करना है ना. फिर भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बट तुम्हें पता है यार क्या करना है ना. अब जो लोग ऐसे हैं यार जिन्होंने अब तक कुछ स्टार्ट किया नहीं है या जो थोड़े कन्फ्यूज हैं, उनको मैं बता दूँ क्या करना है. तो ये कोचिंग वोचिंग का मेटेरियल सब छोड़ो, इससे कुछ भी नहीं होगा. मेंस में
ब्रेथ में टॉपिक्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि डेप्थ में जाके कुछ पूछेंगे, दे विल आस्क यू वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम लॉट ऑफ टॉपिक्स। तो तुम्हारा पहला काम ये बनता है कि तुम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एनसीईआरटी खरीदो 11th 12th की, 2 महीने में तुम आराम से उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ सकते हो, एटलीस्ट 11 टॉपिक्स ईजिली पढ़ सकते हो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज कर ली ना तो ईजिली पढ़ सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम आई थिंक सिलेबस भी मोस्ट कोचिंग में हो चुका होगा, सो जस्ट गो होम, जब टाइम मिले एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ने लग जाओ उसको, ठीक है। पढ़ना कैसे यार, वो तुम्हें मैंने बता ही रखा है, ठीक है, पता भी होता है सबको कैसे पढ़ना है, फिर भी बता देता हूँ। कोई पैसेज पढ़ा, समझ में नहीं आया तो वापस पढ़ा, समझ में आ गया तो नेक्स्ट मूव कर लिया, फिर उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ डाउट आए तो टीचर्स को पूछ लिया। लर्निंग का तरीका देखो यही होता है ना, ये पता सबको है, आप फॉलो नहीं करते हो बस, राइट। सो एनसीईआरटी को लर्न करना है हमें, है ना। इसके अलावा कुछ बुक्स आती है, फिंगर टिप्स ऑन योर एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, है ना, और जेई मेंस के पास पेपर्स है, इनको भी साथ में करते जाओ, है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर बनाया, फिंगर टिप्स कर लिया, एनसीईआरटी चैप्टर फिंगर टिप्स कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो बुक नीट के लिए बनी है, तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेंस का लेवल भी तुम मान लो नीट से थोड़ा सा ही ऊपर होता है ना, तो मुझे लगता है सिमिलर लेवल है, इतना नहीं सोचना है ये सब। आपका काम है कि टॉपिक्स एक बार आ जाएं सो दैट यू कैन क्लियर द कट ऑफ्स, है ना। एनसीईआरटी को रिवाइज करने का एक और तरीका मैं बता सकता हूँ, यू कैन यूज डाउटनेट ऐप, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हें कोई जैसे क्वेश्चन मिला एनसीईआरटी में 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी, उसका फोटो खींचा डाउट है तो, और उसमें तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस द व्हाट्सएप नंबर रिसेंटली, जहाँ पे तुम यू कैन डायरेक्टली क्लिक अ फोटो एंड सेंड ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर, और वहाँ पे उनका ऑटोमेटेड कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वगैरह चलते हैं इमेज प्रोसेसिंग का, तो उससे तुम्हें सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में आ जाता है। तो काफ़ी अच्छी ऐप है, मिलियंस में डाउनलोड्स हैं इसके, यू कैन चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है ना, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, वो मुझे लगता है काफ़ी यूजफुल होगा क्विक सॉल्यूशंस फाइंड करने में, है ना। तो बेसिकली इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था आपको बताना कि यार आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि यार अब आपको सारी चीज़ें छोड़ के केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि देखो आप लोग जब आज से 4-5 साल बाद जाओगे ना, तो आपको ये याद नहीं रहेगा आपने अभी कितने मजे किए या अभी कोई मूवी आई तो देख ली, आपको ये याद रहेगा कि आपकी जेई में रैंक नहीं आई थी और आप किसी बेकार कॉलेज में गए, है ना, टू बी ऑनेस्ट, और ये आपके सीनियर्स लोग आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी पढ़ लो कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी को नहीं बोला पढ़ लो, अभी मैं लिटरली एंडोर्स कर रहा हूँ कि यार यू शुड स्टडी रियली वेल नाउ। अगर तुम्हारा ऐसा है ना कि मुझे कुछ और करना है लाइफ में, वो भी बहाना है, 6 महीने का तुम पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, है ना, तुम वो चीज़ तब भी कर सकते हो। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ नॉट USA, सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, राइट, तो अभी पढ़ लो, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट टिप यही है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि आप कहाँ से पढ़ना है, स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी, फिंगर टिप वाली बुक खरीद लो, बहुत अच्छी बुक है, पास्ट ईयर्स के पेपर्स खरीदो, बस दैट्स इट, कोई अच्छी और नहीं करनी है, कोचिंग की सीट कुछ भी नहीं करनी है इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग, ठीक है, उससे तुम कन्फ्यूज हो गए और क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बनेंगे। एनसीईआरटी उठाओ, फिंगर टिप उठाओ, ठीक है। कोचिंग का एक्सरसाइज 1 कर सकते हो जो बेसिक वाला होता है, क्योंकि यार थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से तो अबव ही आता है मेंस में, राइट, बट एचसी वर्मा इरोडो कोचिंग की एक्सरसाइज 2 कर रहे हो, ये सब से कोई फायदा नहीं है, है ना। सो ये वीडियो मैंने बहुत रिगरस नहीं बनाया, मुझे पता है तुम्हें कोई हाई फाई टिप्स दी नहीं है मैंने, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। टिप्स केवल 3 पता होने चाहिए, पहला सीरियस हो जाओ, दूसरा फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, यू ओनली हैव टू स्टडी एनसीईआरटी, और क्वेश्चंस करने ऑब्जेक्टिव, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है फ्रॉम फिंगर टिप एंड पास्ट पेपर्स, ठीक है। और तीसरा टिप ये क्या था, तीसरा टिप ये कि एग्जाम जब पास आ जाए ना, टेस्ट पेपर्स करना धीरे धीरे शुरू कर देना, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाई बैंडविड्थ में स्टडी करनी है, घंटे लगाने, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हटाने, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हटा दो, ठीक है, केवल मुझे फॉलो करना और किसी को नहीं। सो पॉइंट इज की डिस्ट्रैक्शंस हटाओ लाइफ से, एक अच्छा स्पेस बनाओ, पेरेंट्स को भी थोड़ा बोलो कि हमारा ध्यान रखें, एंड पेरेंट्स को भी, कोई पेरेंट्स देख रहे हो, यू शुड टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड की ही इज फोकस्ड नाउ। सो मोस्टली मेरे पास अब यही टिप्स हैं यार, ठीक है। बाकी यार और कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, वो अकैड बूस्ट पे दिया है, वीडियोज भी हैं, तो वो सब देख सकते हो, बट ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, पढ़ाई अब सीरियसली करनी है, हाई बैंडविड्थ में करनी है, और केवल बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी, फिंगर टिप्स, पास पेपर्स। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे ये सब मत सोचना, तुम अपना करते रहो, ठीक है, यू नो व्हाट टू डू, है ना, मैंने बताया ही है पिछली वीडियो में, विच आई पोस्टेड 1 or 2 months back, फॉलो दैट, है ना। आई होप एवरीवन डज वेल, ऑल द बेस्ट, एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस, फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।